हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे सवाई जयसिंह जी के बारे में। और ये जयपुर के बहुत ही महान रूलर रहे हैं। और जयपुर में उस समय एक डायनेस्टी रूल करती थी, कछवाहा डायनेस्टी। तो कछवाहा डायनेस्टी के रूलर रहे हैं सवाई जयसिंह। और जयपुर शहर को बसाने वाले जो मतलब राजा थे वो कौन थे? सवाई जयसिंह ही थे, ध्यान रखना। जयपुर शहर की जो स्थापना की थी, जयपुर को पहले, जयपुर से पहले यहाँ पे इसको आमेर बोला करते थे, मगर और आमेर की जो कैपिटल है वो जयपुर किसने बनाई? ये बनाई थी सवाई जयसिंह ने। तो ध्यान देना, जयपुर शहर को बसाने वाले जो राजा हैं उन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे। यहीं पर ये जो पिक दिख रही है आपको, ये है जंतर मंतर। तो जंतर मंतर को भी बनवाने वाले राजा कौन थे? वो भी सवाई जयसिंह थे। जंतर मंतर आपको पता है जयपुर में बहुत ही फेमस जगह है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसका नाम है। वर्ल्ड से अलग अलग मतलब देशों से लोग बाग यहाँ पर घूमने आते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट, इसका भी निर्माण इन्होंने ही करवाया। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनवाई थी और बहुत ही महान राजा थे। मैथमेटिशियन थे, सबसे बड़ी बात तो ये मैथमेटिशियन थे एज वेल एज एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। जयपुर शहर को मतलब एक वेल प्लान तरीके से कॉलोनाइज करने वाले राजा भी कौन थे? सवाई जयसिंह थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर हैं, तो जानेंगे इनके बारे में। अब ज़्यादा डेप्थ में तो हम नहीं जाएंगे, पर मैं बेसिक जरूर बताऊँगा कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि नहीं तो फिर ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा डेप्थ में भी ना जाएँ और ज़्यादा मतलब ऊपर ऊपर से भी ना चलें। तो अपना बुक का तो हम कवर करेंगे करेंगे, साथ के साथ में थोड़े से बेसिक्स हम जानेंगे ताकि हमारी मतलब लिंक कर सकें आगे पीछे से सारी चीज़ों को। तो जब ये मतलब रूल कर रहे थे तो ध्यान देना, इनके समय पर मुगल रूल ही चल रहा था। मुगल रूल आपको मैंने बताया कई बार 1526 से 1857 के बीच में मुगल रूल चलता है, जिसमें जो पावरफुल मुगल रूलर्स हैं वो तो यहीं तक रूल करते हैं 1526 से 1707, जहां पे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये पावरफुल हैं। इसके बाद जो रूलर्स आते हैं उनको हम लेटर मुगल्स बोलते हैं, 1707 से 1857 के बीच में। ये लेटर मुगल्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे जितने कि ये थे। ठीक है, अच्छा अब ये हम बात करेंगे, इनका जो टाइम पीरियड है, रूलिंग पीरियड है, वो 1700 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ध्यान देना किसका रूलिंग पीरियड है, मैं सवाई जयसिंह की बात कर रहा हूँ। 1700 से स्टार्ट होता है और 1743 तक चलता है। तो इसका मतलब औरंगजेब भी थे इनके टाइम पर, और फिर उसके औरंगजेब के बाद कई सारे मुगल रूलर्स आते हैं ऐसा बताते हैं। इन्होंने 7 मुगल रूलर्स को मतलब कार्यकाल देखा था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं थोड़ी सी एडिशनल बता देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो, ताकि आप, एक राजा और हैं मिर्जा राजा जयसिंह, ध्यान देना, मिर्जा राजा जयसिंह। अभी हम पढ़ रहे हैं सवाई जयसिंह और एक है मिर्जा राजा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मिर्जा लगा हुआ है, ध्यान देना। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं कंफ्यूज हो जाएं। तो मिर्जा राजा जयसिंह, इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1621 से 1667। तो ध्यान देना, ये इनसे बहुत पहले के राजा हैं और इन्होंने 3 मुगल एम्परर्स का कार्यकाल देखा था। किस किस का? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, और शाहजहां ने इनको उपाधि दी थी मिर्जा राजा की, ध्यान देना, शाहजहां ने इनको उपाधि दी थी मिर्जा राजा की। और इनके दरबार में एक कोर्ट पोएट रहता था बिहारी, जिन्होंने एक किताब लिखी थी बिहारी ससई, और फेमस ट्रीटी ऑफ पुरंदर, मैंने बताया था हिस्ट्री में आपको शिवाजी वाले टॉपिक में, जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी वो मुगलों के बीच में और शिवाजी के बीच में हुई थी। तो मुगलों की तरफ से कौन गए थे? मिर्जा राजा जयसिंह ही गए थे। ठीक है, 1665 में ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें से 35 में से 35 में से 23 के लिए मुगलों के द्वारा ले लिए जाते हैं, और बचे 12 के लिए किसको दे दिए जाते हैं? शिवाजी को दे दिए जाते हैं। तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, तो ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं जयसिंह की। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जयसिंह के पिताजी का जो नाम था वो थे विशन सिंह या विष्णु सिंह के नाम से फेमस हैं, ये सवाई जयसिंह के पिताजी हैं। और इनका टाइम पीरियड रहा है 1689 से 1700 के बीच में, और इन्होंने भी मुगल एम्परर औरंगजेब के अंडर में सर्व किया था। इनके 2 संतानें थी विशन सिंह के, ध्यान देना, विशन सिंह के 2 संतानें थी, एक संतान थी जिसका नाम था जय सिंह और दूसरी थी जिसका नाम था विजय सिंह। जय सिंह बड़े थे और विजय सिंह छोटे थे। अब एक खास बात आपको मैं बता दूं, ये औरंगजेब ने क्या किया, जय सिंह का नाम बदल दिया विजय सिंह और विजय सिंह का नाम बदल दिया जय सिंह, मतलब इनका नामकरण चेंज कर दिया। किसने चेंज किया? ये नामकरण चेंज करने वाले कौन थे? औरंगजेब। मतलब विजय सिंह को तो बना दिया जय सिंह और जय सिंह को बना दिया विजय सिंह, ये चीज़ ध्यान रखना। इनका नाम चेंज कर दिया था किसने? औरंगजेब ने नाम चेंज किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, औरंगजेब ने क्या किया था, इनका नाम चेंज किया था। और खास बात, औरंगजेब ने एक उपाधि भी दी थी सवाई जयसिंह को, सवाई जयसिंह को जी एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था सवाई, और सवा एक वर्ड है, सवा, सवा का मतलब क्या होता है? 1 1/4, इसको हम क्या बोलते हैं? सवा। ठीक है, पहले जैसे एक हो गया, अब बताओ एक बड़ा है या सवा बड़ा है?
सभा बढ़ाए, जैसे हम कहते हैं ना, वो कहता है भाई मैं शेर हूँ, कोई व्यक्ति कह रहा मैं शेर हूँ, दूसरा क्या कहेगा, अबे हमें हल्के में ना ले भाई, हम भी सवा शेर हैं। सवा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं, सवा बोलते हैं। तो हम कई बार लोकल भाषा में या फिर गाँव में अपने मतलब मजाक मजाक में बोल देते हैं, हल्के मत लेना भाई, हम भी सवा शेर हैं, तू शेर है तो हम सवा शेर हैं। ओके, तो ये ऐसा मतलब मानते हैं कि मतलब जो सवाई जयसिंह थे, ये बाकी जो अर्लियर वाले जो रूलर्स थे उनसे थोड़े बेटर थे, इनकी जो स्किल्स थी वो ज़्यादा बेटर थी, इसलिए औरंगजेब ने इनको क्या नाम दिया, सवाई की उपाधि दी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने अभी बताया आपको बिशन सिंह या बिष्णु सिंह, इन्होंने रूल किया 1689 से 1700 के बीच में, जयपुर के ये रूलर थे, औरंगजेब के टाइम पर ये रूलर थे, ध्यान देना। और इनके दो संतान थी, जयसिंह और विजय सिंह। औरंगजेब ने इनका नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जयसिंह को बना दिया विजय सिंह और विजय सिंह को बना दिया जय सिंह। ठीक है, ये तो यहां तक की कहानी है। अब हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन सवाई जयसिंह जी के बारे में। तो ध्यान देना, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 3 दिसंबर 1688 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 1 सितंबर 1743 इनकी क्या होती है, डेथ होती है। इनके पिताजी थे बिशन सिंह या बिष्णु सिंह, मैंने अभी जस्ट बताया था, और इनको जयसिंह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, और औरंगजेब ने इनको एक टाइटल दिया था सवाई, मैंने बता दिया सवाई का मतलब क्या, और इसके बाद जो रूलर्स थे वो सब क्या लगाते थे, सवाई लगाने लगे। इनका टाइम पीरियड जो रहता है वो रहता है 1699 से 1743, कई बुक्स में 1700 से भी स्टार्ट है, ठीक है, तो देख लेना। तो इनका जो रेन का मतलब है इनका जो टाइम पीरियड है, कब से कब तक शासन किया, 1699 से 1743 के बीच में उन्होंने रूल किया था। ये अब जयपुर में, अब जयपुर तो हम नहीं बोलेंगे, उस समय आमेर कहते थे, तो आमेर में एक वंश रूल करता था, एक डायनेस्टी रूल करती थी, कछवाहा डायनेस्टी, ठीक है, जो मतलब मुगलों के अंडर में थी। तो कछवाहा डायनेस्टी के रूलर होते हैं कौन, सवाई जयसिंह। ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट थे और बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, और जयपुर शहर की जो स्थापना की थी वो भी किसने की थी, वो भी सवाई जयसिंह ने ही की थी। और 5 जंतर मंतर इन्होंने बनाए थे, जिनको वेदशालाएं बोलते हैं, देश के अलग अलग भागों में 5 जंतर मंतरों का आविष्कार भी किसने की, मतलब बनवाया भी किसने था, सवाई जयसिंह जी ने ही बनवाया था। इन्होंने 7 मुगल रूलर्स के अंडर में, या मतलब 7 मुगल रूलर्स का कार्यकाल देखा। कौन कौन से 7 मुगल रूलर्स हैं, सबसे पहले तो औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट, जिसको मुअज्जम, पहले मतलब औरंगजेब की एक संतान थी मुअज्जम, जब मुअज्जम एक बैटल जीत जाता है, जब रूलर बनता है तो वो अपना नाम चेंज कर लेता है, बहादुर शाह फर्स्ट। तो इन्होंने किस किस का कार्यकाल देखा, औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदर शाह, फर्रुख सियार, रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो ये कौन है, ये लेटर मुगल्स हैं, ध्यान देना, लेटर मुगल एम्परर्स हैं ये, देख रहे हो, बहुत सारे लेटर मुगल एम्परर्स थे। तो इनके अंडर में इन्होंने क्या किया, इनके अंडर में इन्होंने काम किया और मतलब सेवाएं दी, मुगल्स को अपनी सेवाएं दी। अच्छा, अब आपको एक चीज़ आपको पता होगी, 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की डेथ हो जाती है। बहुत मतलब आपको कई बार बताया मैंने, 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद क्या है, औरंगजेब की थी 4 संतानें, औरंगजेब की 4 संतानें थी, ठीक है, जिनमें से 2, एक का नाम था आजम और दूसरे का नाम था मुअज्जम, आजम और मुअज्जम, ठीक है। तो आजम और मुअज्जम, इन दोनों के बीच में होता है बैटल ऑफ सक्सेशन। देखो, सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार, ठीक है। तो बैटल ऑफ सक्सेशन की शुरुआत हो जाती है 1707 में, किस किस के बीच में, आजम और मुअज्जम, बाकी 2 का इंटरेस्ट नहीं था, तो इन 2 के बीच में लड़ाई होती है। और सक्सेशन मतलब कौन बनेगा उत्तराधिकारी, करोड़पति नहीं, कौन बनेगा उत्तराधिकारी, अगला एम्परर कौन बनेगा, तो उसके लिए लड़ाई होती है। ये लड़ाई एक्चुअली एक जगह पर होती है जिसका नाम है जाजऊ, ध्यान देना, इसको हम जाजऊ का बैटल भी बोलते हैं, जाजऊ यूपी में एक जगह है, 1707 वहाँ पर ये लड़ाई होती है। अच्छा, अब यहाँ पर खास बात आपको क्या ध्यान देनी है, खास बात यह है कि आजम की तरफ से लड़ रहे थे सवाई जयसिंह, ध्यान देना, इनका ओरिजिनल का नाम क्या था, विजय सिंह, मगर औरंगजेब ने चेंज कर दिया, क्या रख दिया, सवाई जयसिंह। तो आजम का साथ किसने दिया था, सवाई जयसिंह ने दिया, और अजीत सिंह मारवाड़ के रूलर थे, इन्होंने साथ दिया, और मुअज्जम का साथ दिया था विजय सिंह ने। विजय सिंह कौन थे, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था, जयसिंह, ध्यान देना। तो मुअज्जम का साथ किसने दिया, विजय सिंह ने, और रिजल्ट ये हुआ मुअज्जम जीत गया, और विजय सिंह ने इस कंडीशन पर इनका साथ दिया था कि भाई देखो, अगर आप जीतोगे तो आप मुझे क्या बनाओगे, आमेर का रूलर बनाओगे, आमेर का राजा बनाओगे। इस कंडीशन पर विजय सिंह ने क्या किया, साथ दिया था मुअज्जम का, और हुआ वही, मुअज्जम जीत गया
और आजम हार गया। अब बारी आएगी किसकी, इन दोनों की बारी आएगी। ठीक है, तो इसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से राजा बन जाते हैं। ध्यान देना, मुअज्जम अपना नाम चेंज कर लेता है, क्या कर लेता है, बहादुर शाह फर्स्ट। तो ध्यान देना, मुअज्जम ने जैसे युद्ध जीता तो बहादुर शाह फर्स्ट नाम रख लिया और आजम की क्या कर दी, आजम की हत्या कर दी और बन जाते हैं अगले मुगल एम्परर। किसके बाद, औरंगजेब के बाद, नाम चेंज कर दिया बहादुर शाह। ठीक है, अब जैसे ही ये रूलर बनते हैं तो इन्होंने आमेर पर आक्रमण किया और आमेर के रूलर कौन थे, आमेर के रूलर थे सवाई जयसिंह। आक्रमण करके सवाई जयसिंह को हरा दिया और आमेर पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, आमेर पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया, बहादुर शाह फर्स्ट ने। और आमेर फोर्ट का नाम चेंज करके रख दिया मोमिनाबाद या इस्लामाबाद, इसका नाम चेंज करके रख दिया था। तो ध्यान देना, इस मोमिनाबाद आमेर फोर्ट का नाम किसने रखा था, बहादुर शाह फर्स्ट ने रखा था। और फिर इसको किसको दे दिया, इसको दे दिया विजय सिंह को, कि ले भाई विजय सिंह संभालो। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखनी है, ये है बैटल ऑफ सक्सेशन। अच्छा, अब यहाँ पे भाई साहब हार गए, कौन हार गए, अब हार गए आपके जय सिंह जी हार गए, तो ये चले जाते हैं। ठीक है, इनके बाद एक थे अजीत सिंह और एक थे जय सिंह। अब सुनो, अब एक समझौता होता है जिसको हम बोलते हैं देवारी समझौता, पैक्ट का मतलब होता है समझौता। 1708 में देवारी का समझौता होता है। अब ध्यान दो, समझौता किन किन के बीच में हो रहा है यहाँ पे। ये देवारी जो है ये एक प्लेस है, देवारी एक प्लेस है, ये है उदयपुर में। ठीक है, तो उदयपुर में यहाँ पे तीन रूलर्स मिलते हैं, कौन कौन मिलते हैं, आमेर के रूलर थे सवाई जय सिंह। ध्यान देना, आमेर के जो राजा थे वो कौन थे, सवाई जय सिंह थे। मारवाड़ के महाराजा थे अजीत सिंह, मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह। और मेवाड़ के राजा थे, कौन थे, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह थे, अमर सिंह सेकंड के नाम से भी फेमस हैं। अब ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। अब देखो समझौता क्यों होता है, जयसिंह को क्या चाहिए था, जयसिंह को चाहिए था कि जो आमेर उनके हाथ से निकल गया है, उनके भाई के हाथ में आ गया है, वो तो इनको आमेर वापस चाहिए। ठीक है, अजीत सिंह को क्या चाहिए था, अजीत सिंह मारवाड़ के थे, मतलब जोधपुर वाले इलाके के थे। अजीत सिंह के पिताजी का नाम था जसवंत सिंह फर्स्ट। तो जसवंत सिंह फर्स्ट की जैसे ही डेथ हो गई थी तो औरंगजेब ने क्या किया था, जोधपुर वाले इलाके को खालसा भूमि डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और खालसा भूमि पर किसी का राज नहीं होता, तो ये चाहते थे अजीत सिंह के मुझे क्या बनाया जाए, राजा बनाया जाए कहाँ का, मारवाड़ का। और जय सिंह क्या कह रहे, मुझे राजा बनाया जाए कहाँ का, आमेर का। ठीक है, और अमर सिंह ये कह रहे भाई हमारी जो मतलब ग्लोरी जो खो गई है उस ग्लोरी को वापस हमें चाहिए और इनको भी मतलब अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है। तो इन तीनों के बीच में देवारी नाम की जगह पर क्या हो गया, समझौता हो गया। अच्छा, इसी समझौते को हम किस नाम से जानते हैं, देवारी के नाम, समझौते के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब एक चीज सुनो, यहाँ पे इनको क्या फायदा, इन्होंने एक कंडीशन रखी, अमर सिंह सेकंड जो थे अब महाराणा अमर सिंह के नाम से फेमस हैं, तो ये इन्होंने एक कंडीशन रखी, क्या कंडीशन रखी, नंबर एक यहाँ पे कंडीशन ये थी कि तीनों मिलके महाराजा जो अजीत सिंह है कहाँ के, मारवाड़ के, इनको मारवाड़ का राजा बनाया जाएगा, सवाई जयसिंह को आमेर का राजा बनाया जाएगा। और कंडीशन नंबर थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट, अमर सिंह सेकंड की एक पुत्री थी जिनका नाम था चंद्र कुंवरी या चंद्र कुमारी, कुंवरी कह सकते हैं, तो चंद्र कुंवरी की शादी किससे होगी, जयसिंह से। तो इन्होंने जयसिंह के सामने कंडीशन रख दी, देख भाई बढ़वा देंगे हम, हेल्प करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी डॉटर है जिसका नाम है चंद्र कुंवरी, उनसे आपको शादी करनी पड़ेगी, और शादी ही नहीं करनी पड़ेगी, इन दोनों से जो संतान पैदा होगी वो आपके आमेर का अगला क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये चीज ध्यान देना, क्या कंडीशन रखी कि आपको चंद्र कुंवरी से शादी करनी पड़ेगी और साथ के साथ में जो भी इनसे पुत्र पैदा होगा वो आमेर का क्या बनेगा, सक्सेसर बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। हुआ ऐसा ही, माधो सिंह इनसे पैदा होते हैं और माधो सिंह क्या बनते हैं, उत्तराधिकारी बनते हैं। ठीक है, तो ही टुक दी आमेर विद दी हेल्प ऑफ मेवाड़। मेवाड़ आपको पता ही है, उदयपुर के आसपास के इलाके को हम क्या बोलते हैं, मेवाड़ बोलते हैं, और जोधपुर के आसपास के इलाके को क्या बोलते हैं, मारवाड़। तो यहाँ पर हेल्प करी अमर सिंह ने। और जैसे ये पैक्ट साइन हुआ था, ध्यान देना एक और खास बात, जैसे इन तीनों के बीच में साठगांठ होती है तो ये पता चलता है बहादुर शाह फर्स्ट को, तो उन्होंने क्या किया, इनकी शर्तें मान ली और राजस्थान के जो मुगल रूलर्स हैं, राजस्थान के जो रूलर्स हैं उनको क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ध्यान देना, यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा चेंज आता है हिस्ट्री में। बहादुर शाह फर्स्ट जो मतलब मुगल एम्परर बना था, तो उन्होंने इनकी कंडीशन मान ली और जयसिंह बन जाते हैं आमेर के रूलर, अमर सिंह तो है ही मेवाड़ के रूलर, और अजीत सिंह कहां के रूलर बन जाते हैं, मारवाड़ के रूलर बन जाते हैं।
अच्छा, अभी एक टॉपिक और आता है, हुड़दा कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो हुड़दा कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? हुड़दा का मतलब, कॉन्फ्रेंस का मतलब है हुड़दा भाई, देखो एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, एक मीटिंग होती है। अब मीटिंग क्यों होती है, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इस समय तक क्या हुआ था, जैसे ही मतलब औरंगजेब की डेथ होती है, औरंगजेब की डेथ होने के बाद जो मराठा थे, मराठा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ध्यान देना। औरंगजेब की डेथ होते ही मराठाओं को बहुत बड़ा मतलब क्या मिलता है, एक गेन मिलता है, मराठा अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं और मराठाओं की पावर बढ़ती जाती है इंडिया में, मतलब उनकी ज़बरदस्त पावर क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो मराठा क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, और राजस्थान में भी अटैक करते हैं, ध्यान देना, मराठाओं ने राजस्थान में भी क्या किया, अटैक किया, अटैक किया। तो इसी चीज़ से बचने के लिए, मराठाओं का आक्रमण से बचने के लिए, ध्यान देना, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठाओं ने जो आक्रमण किया था वो बूंदी राज्य में किया था, और फिर मराठाओं के जयपुर में भी बहुत सारे आक्रमण हुए थे, सबसे ज़्यादा जो आक्रमण किए थे मराठाओं ने जयपुर में किए थे। इनसे बचने के लिए सवाई जयसिंह ने क्या किया था, एक फोर्ट बनवाया था जिसका नाम था नाहरगढ़ फोर्ट, ध्यान देना, मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, ये करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए आप ध्यान दो, इनका जो उद्देश्य था हुड़दा कॉन्फ्रेंस का, और हुड़दा कॉन्फ्रेंस ध्यान देना, हुड़दा एक जगह है भीलवाड़ा में, वहां पर हुई थी, और इसकी डिजाइन जो किया था, इसको मतलब प्लानिंग जो की थी वो सवाई जयसिंह ने की थी। पर्पज क्या था इनका, पर्पज यही था कि राजस्थान के जितने भी रूलर्स हैं उनको क्या करें, एक करें, इकट्ठा करें, किसके विरुद्ध, इनको करें मराठाओं के विरुद्ध इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जा रहे अभी, बस जयसिंह ने इनको ऑर्गेनाइज किया था, यह क्यों किया था, मराठाओं के विरुद्ध, क्योंकि मराठा क्या कर रहे थे उस समय, पावर इनकी बढ़ती जा रही थी और राजस्थान में धुआंधार अटैक करते जा रहे थे, और जयपुर में तो लाइन लगा दी इन्होंने अटैक्स की, ठीक है, और अटैक करके लूटपाट भी करते थे। तो इसी चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया, सबको बुलाने की कोशिश की, मगर ये कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी राजा आए थे मराठाओं ने उनको लेटर भेज दिया कि जो भी मतलब मतलब एक होगा हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो ध्यान रखना बदला बहुत बुरा होगा, मतलब हाल बुरा हाल कर देंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस क्या है, फेल हो जाती है, चीज़ ध्यान रखना। तो कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 17 जुलाई 1734 में ये कॉन्फ्रेंस होती है। तो इन्होंने 5 वेधशालाएं या जंतर मंतरों का निर्माण करवाया, ध्यान देना, 5 कौन कौन सी है, नंबर 1 जयपुर में, जयपुर में जो जंतर मंतर है वो सबसे बड़ा जंतर मंतर है भारत का, दूसरा दिल्ली, ये सबसे पुराना जंतर मंतर है, तीसरा उज्जैन जो कि कहाँ पर, एमपी में, चौथा बनारस कहाँ पर, यूपी में, और पांचवा मथुरा, ये भी कहाँ पर, यूपी में, ठीक है। तो 5 जंतर मंतरों का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, ये करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। तो ये जयपुर का जंतर मंतर बहुत ही खूबसूरत है, और मैंने भी पर्सनली इसको देखा है 2-3 बार, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर जाने में, ठीक है। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, तो सवाई जयसिंह ने, हाँ, देख रहे हो, पिंक सिटी, पिंक सिटी के नाम से फेमस है अपना जयपुर, राजस्थान की कैपिटल है। तो पिंक सिटी की स्थापना किसने की थी, पिंक सिटी को किसने बसाया, किसने फाउंड किया था, तो उसके फाउंडर थे सवाई जयसिंह। 18 नवंबर 1727 में इन्होंने क्या किया था, पिंक सिटी की स्थापना की थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। किसने स्थापना की थी पिंक सिटी की, पिंक सिटी को फाउंड करने वाले थे सवाई जयसिंह। 2-3 चीज़ें और मैं बता देता हूँ, एक तो इनके जो वास्तुकार थे, इसकी जो डिजाइनिंग विजाइनिंग की थी, वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य क्या थे, वास्तुकार थे, जिन्होंने क्या किया था, वास्तुकला के आधार पर इसका मतलब बताया था कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जयपुर को हम कई नामों से जानते हैं, इसको ईस्ट का पेरिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर है, बड़ा प्यारा शहर है, और गुलाबी नगरी के नाम से तो फेमस है ही क्या हमारा प्यारा सा जयपुर। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये हुआ हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अब थोड़ा सा क्या 20 मिनट का इंट्रोडक्शन हो गया लगभग लगभग। तो देखो, अब इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो आपको आप बाकी चीज़ों में मज़ा आएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमारा खत्म होता है, अब हम देखते हैं अपनी बुक में क्या दे रखा है फटाफट, बहुत जल्दी हम इसको कवर करेंगे। सवाई जयसिंह, तो ध्यान देना, सवाई राजा जयसिंह 1699 से 1743 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। इनका जन्म 3 सितंबर 1688 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम बिशन सिंह था, और शुरुआत में इनका नाम हुआ करता था विजय सिंह, और इनके छोटे जो भाई थे, सॉरी, इन द बिगनिंग हिज नेम वॉज विजय सिंह एंड हिज यंगर ब्रदर नेम वॉज जय सिंह, ने छोटे भाई का नाम क्या था, जय सिंह था, बट औरंगजेब ने इनका क्या किया था, नाम चेंज कर दिया था। तो ध्यान देना, स्टार्टिंग में इनका नाम चेंज कर दिया गया था, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। तो मतलब जय सिंह का पुराना नाम क्या था, जय सिंह का पुराना नाम था, या फिर मतलब बचपन का नाम था विजय सिंह, नाम किसने चेंज किया, नाम चेंज किया था
औरंगजेब ने, ठीक है। सवाई जयसिंह आमेर के रूलर बनते हैं, जैसे इनके पिताजी की डेथ होती है 19 दिसंबर 1699, इसीलिए कई बार इसको क्या लिख देते हैं 1700 से 1743 के बीच में, ठीक है। तो ये आमेर के रूलर बनते हैं, ध्यान देना जब तक ये रूलर बने तब तक जयपुर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, जयपुर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जयपुर कब आता है, जयपुर आता है 18 नवंबर 1727 को जयपुर आता है, इससे पहले क्या था, सिर्फ आमेर था, ठीक है। तो जयपुर की स्थापना कौन करते हैं, यही करते हैं, तो ध्यान देना 1699 में ये रूलर बन जाते हैं आमेर के, ठीक है। और आमेर में एक डायनेस्टी रूल कर रही थी, उसको हम बोलते हैं कछवाहा डायनेस्टी, ओके। और कछवाहा डायनेस्टी के ही रूलर थे सवाई राजा जयसिंह, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या होता है, जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है और आमेर का रूलर, मैंने बताया था ये पूरा प्रसंग आपको बता चुका हूँ, औरंगजेब की डेथ के बाद क्या होता है, देखो भाई औरंगजेब की डेथ हो जाती है फरवरी 1707 में, औरंगजेब की डेथ हो जाती है और औरंगजेब जब तक मतलब था तब तक मुगल एम्पायर का दबदबा था पूरे इंडिया में, मतलब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इनके खिलाफ कोई बोल जाए, इनके खिलाफ कोई आंख उठा के भी देखे। मगर जैसे इनकी डेथ होती है तो उसके बाद जो रूलर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, वीक आते हैं और आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और मुगल एम्पायर का मतलब सर्वनाश कर देते हैं, डिक्लाइन हो जाता है। और उसके बाद रीजनल किंगडम्स का क्या होता है, इमरजेंस होता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल मैंने बताया था मराठा निकल के आते हैं। खैर जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है इसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हो जाता है, किस में, औरंगजेब के पुत्रों में। तो औरंगजेब के चार पुत्र थे, नाम मैं बता रहा हूं, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर, ठीक है। कामबख्श और इनका अकबर का तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इंटरेस्ट किसका था, मुअज्जम और आजम, और इन्हीं के बीच में होता है युद्ध, और इस युद्ध में आपको बताइए कौन जीतेगा, मुअज्जम जीतेगा, ओके। सो अकबर हैड गॉन टू पर्सिया, अकबर कहाँ चले आते हैं, पर्सिया चले आते हैं, ये वो अकबर नहीं है भाई, ध्यान रखना है, ये उसके बेटे हैं, किसके बेटे हैं, औरंगजेब के। तो अकबर पर्सिया चले आते हैं, पर्सिया मतलब फारस चले आते हैं, और कामबख्श वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग रूलर, और कामबख्श का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे राजा वाजा एम्परर बनना है, कोई नहीं। बच्चे दो, अब दो के बीच में क्या हुआ, दोनों चाहते थे कि मैं भी बनूंगा भैया एम्परर और मैं भी बनूंगा, तो इसके लिए होता है युद्ध, और युद्ध में मतलब जीतते हैं कौन, आपके मुअज्जम जीते हैं, ठीक है। तो ये बैटल टुक प्लेस बिटवीन मुअज्जम एंड आजम इन 1707 एट द बैटल फील्ड ऑफ जाजऊ, जाजऊ नाम की जगह पर इनके बीच में युद्ध होता है। जाजऊ कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सवाई जयसिंह किसकी तरफ से लड़ते हैं, आजम की साइड से लगते हैं, और रिजल्ट ये होता है मुअज्जम बैटल को जीत जाता है, और सवाई जयसिंह ध्यान देना विद द हेल्प ऑफ सवाई जयसिंह ब्रदर और विजय सिंह, यहाँ पे मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में, मुअज्जम की हेल्प किसने की थी, सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह ने की थी, और सशर्त की थी कि आपको हमें क्या बनाना पड़ेगा, आमिर का रूलर बनाना पड़ेगा, अगर आप जीते हो तो। मुअज्जम जीत जाता है, ठीक है। अब भैया दुश्मन कौन लगेगा इनको, सवाई जयसिंह दुश्मन लगेगा। तो जैसे ही बैटल जीता किसने, मुअज्जम ने, पहले तो अपना नाम चेंज किया बहादुर शाह फर्स्ट, और विजय सिंह को बना दिया रूलर, कहाँ का, आमिर का रूलर, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और आमिर का नाम चेंज कर दिया जाता है इस्लामा बाद और बाद में रख देते हैं मोमिनाबाद, इस्लामाबाद और मोमिनाबाद रख दिया जाता है। आमिर के जो रूलर हुआ करते थे पहले राजा सवाई जयसिंह, और मारवाड़ के जो रूलर हुआ करते थे अजीत सिंह, इनको गवर्नर बना दिया जाता है, राजा वाला पद इनसे छीन लिया जाता है, किसके द्वारा, बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा छीन लिया जाता है। अब बात करेंगे हम देवारी पैक्ट के बारे में, मैं अभी पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। देवारी एक जगह कहाँ पर, उदयपुर में, तीन राजाओं के बीच में ये पैक्ट साइन होता है। तीन राजा कौन कौन से थे वो भी उन्होंने बताई दिया है। अमर सिंह सेकंड मेवाड़ के थे, ध्यान देना अमर सिंह सेकंड कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। और आपके सवाई जयसिंह आपके आमेर के हो गए, और तीसरे कौन से थे, तीसरे थे आपके अजीत सिंह, और अजीत सिंह कहाँ के थे, अजीत सिंह थे आपके मारवाड़ के, ठीक है। तो अमर सिंह ने एक कंडीशन रखी सवाई जयसिंह के सामने कि देखो भाई आपको हमारी बेटी चंद्रकुमारी से क्या करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी, और इनसे फिर जो संतान पैदा होगी, जो बेटा पैदा होगा, वही आमेर का क्या बनेगा, अगला रूलर बनेगा। अब भाई क्या, सवाई जयसिंह को तो चाहिए थी गद्दी, इन्होंने बोला ठीक है सर, आई एम रेडी, आप मतलब शादी तो कराओ, हमें राजा तो बनाओ, बाकी की बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो ये पैक्ट साइन होता है और जयसिंह एग्री हो जाता है, ठीक है, इस कंडीशन से। और यही जो पैक्ट है, यही जो समझौता है, क्या कहलाता है, देवारी समझौता, देवारी पैक्ट कहलाता है। अमर सिंह सेकंड एग्री हो जाते हैं सवाई जयसिंह और अजीत सिंह की हेल्प करने के लिए। सवाई जयसिंह को आमेर का रूलर बनवाया जाता है और अजीत सिंह को मारवाड़ का रूलर बनवाया जाता है। और मैंने ये भी बताया था जैसे ये पैक्ट साइन हुआ था तो बहादुर शाह भी रेडी हो जाते हैं और उनकी शर्तें मान लेते हैं। अच्छा, इन्हीं के समय की एक घटना है, क्या घटना है,
भरतपुर आपने सुना ही है, ठीक है, हालांकि मैं भरतपुर से ही हूँ, ठीक है। तो भरतपुर में एक रिवॉल्ट होती है, जाट क्षेत्र है भरतपुर, ध्यान रखना भरतपुर में जाट बहुत है, तो जाट क्षेत्र है भरतपुर, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का मतलब विद्रोह हो जाता है, किसके खिलाफ विद्रोह हो जाता है, औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है, मतलब सॉरी मुगल एम्प्रेस के खिलाफ क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये बात है लगभग 1722 की, अपनी बुक में तो नहीं दे रखा, 1722 में क्या हो जाता है, जाट रिवॉल्ट कर देते हैं, किसके खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया जाता है। उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए यहाँ पर भेजा जाता है सवाई जयसिंह को, ध्यान देना किसको भेजा जाएगा, सवाई जयसिंह को मुगलों के द्वारा भेजा जाता है। तो चूरामन रिवॉल्टेड इन भरतपुर स्टेट, भरतपुर स्टेट जब स्टेट मतलब पूरा ये राज्य हुआ करता था, तो यहाँ पर क्या होता है, चूरामन जो कि यहाँ के एक जाट रूलर थे, चूड़ामन भी बोलते हैं इनको, तो ये क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और इसी विद्रोह को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला, ध्यान देना कौन, मोहम्मद शाह रंगीला किसको भेजते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला कौन थे, उस समय के एम्परर थे, एम्परर मतलब मुगलों के सम्राट थे, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर रंगीला ने किसको भेजा, सवाई जयसिंह को भेजा, ताकि ये रिवॉल्ट को क्रश कर सकें 1722 में। अब यहाँ पर सवाई जयसिंह आते हैं, और इनके जो चूरामन थे इनके भतीजे थे, जो भतीजे का नाम नेफ्यू थे, नेफ्यू का नाम था बदन सिंह, बदन सिंह को अपनी ओर मिला लेते हैं, और मिला के फ़ायदा होता है, बदन सिंह इनको सारी चीज़ें बता देता है, इनके वीक पॉइंट्स बता देता है चूरामन के, और बदन सिंह की सहायता से चूरामन को भरतपुर स्टेट से बाहर खदेड़ दिया जाता है, ठीक है। और बदन सिंह ने अब इसकी हेल्प करी, तो बदन सिंह कहेगा भैया हमें भी दो कुछ, हमने आपकी हेल्प करी है। तो इनको क्या किया जाता है, पहली बात सवाई जयसिंह के द्वारा इनको एक उपाधि दी जाती है, बदन सिंह को ब्रजराज या ब्रजराजा, इसकी उपाधि दी जाती है किसको, बदन सिंह को, और डीग की जागीर दे दी जाती है। डीग आपने सुना होगा, डीग को बोलते हैं जल महलों की नगरी, ध्यान रखना डीग को क्या बोलते हैं, जल महलों की नगरी बोलते हैं। और जब ये रिवॉल्ट सप्रेस कर दिया, जैसे ही सवाई जयसिंह मतलब इसमें सफल होके आते हैं, तो मोहम्मद शाह रंगीला खुश होते हैं, क्या होते हैं, खुश होते हैं। और जब मोहम्मद शाह रंगीला जी खुश हुए, एम्परर खुश हुए, मोगेम्बो खुश हुए, तो उन्होंने भी एक टाइटल दे दिया, किसको टाइटल दिया, सवाई जयसिंह को, टाइटल छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, देखो राज राजेश्वर श्री राजादि राज सवाई, वाह भाई वाह, थोड़ा और बड़ा कर देते, छोटा कर दिया, क्या दिया, राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई, ये टाइटल दिया गया था सवाई जयसिंह को, किसके द्वारा, मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था, खुश होने पर, जैसे ये क्या करके आए थे, रिवॉल्ट को सप्रेस करके आए थे, कहाँ पे, जाट रीजन भरतपुर में, ठीक है। तो ये कहानी हुई हमारी यहाँ तक की। अब हम देखेंगे कल्चरल कंट्रीब्यूशन बाई सवाई जयसिंह, मतलब इनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या रहा, मतलब इन्होंने आर्ट एंड कल्चर में क्या किया, क्या क्या चीज़ें बनवाई और क्या करी, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो ध्यान देना, पहले तो इन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाई, जिससे नक्षत्रों की पोजीशन को कैलकुलेट किया जा सकता है, ध्यान देना क्या किया, सबसे पहले एक तो इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाई थी, जिससे नक्षत्रों की पोजीशन को पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या थे, ये थे एस्ट्रोलॉजर, बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एस्ट्रोलॉजी को उनको क्या था, ज्ञान था। इन्होंने किताब लिखी थी एस्ट्रोलॉजी पर, जिसका नाम है जयसिंह करिका, ध्यान देना जयसिंह करिका नाम की क्या लिखी इन्होंने, एक किताब लिखी, किसने लिखी थी, ये लिखी थी हमारे सवाई जयसिंह, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर इन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई, ताकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या कर सकें, एस्ट्रोलॉजी के बारे में स्टडी कर सकें। इन्हीं ऑब्जर्वेटरीज को हम बोलते हैं जंतर मंतर, तो इन्होंने क्या बोलते हैं, जंतर मंतर बनवाए 5, कहां कहां पे बनवाए, पहला जयपुर में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। और मैंने बताया था जयपुर वाला जो है सबसे बड़ा है, और दिल्ली वाला जो है सबसे पुराना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 5 जंतर मंतरों का निर्माण करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा, ये है, देखे होंगे आपने, ठीक है, ओके। जंतर मंत्र ऑफ जयपुर इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी, जयपुर का जो जंतर मंत्र है वो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है, और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा मिल चुका है 2010 में। और जब कोई चीज़ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, तो वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, देश विदेश से, और टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, तो उस जगह पर इनकम बहुत बढ़ जाती है, रोजगार बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जयपुर का पुराना नाम था वो था जयनगर, क्या नाम था, जयनगर पुराना नाम था किसका, जयपुर, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जयपुर का जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम था जयनगर, द सिटी ऑफ विक्ट्री, जय का मतलब क्या होता है, विक्ट्री,
द सिटी ऑफ विक्ट्री, ध्यान देना जयनगर पुराना नाम है, किसका नाम है पुराना नाम जयपुर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में अगर बाई चांस पूछ लिया जाए। और सवाई जयसिंह मेड जयपुर द कैपिटल ऑफ कछवाहा डायनेस्टी इन प्लेस ऑफ आमेर, और सवाई जयसिंह ने अब जयपुर को क्या बना दिया, कछवाहा डायनेस्टी की राजधानी बना दिया। पहले क्या हुआ करती थी आमेर, आमेर की जगह पर बना दी जाती है जयपुर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, और सवाई जयसिंह लास्ट हिंदू रूलर थे जिन्होंने अश्वमेध बाजपे राजसूय ये यज्ञ किए थे 1740 में, ध्यान देना अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको पता ही है, रामायण में आपने देखा ही होगा, भगवान श्री राम करते हैं, घोड़ा छोड़ते हैं और घोड़ा जिस जिस जगह पर जाएगा वो जगह किसकी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है। और अगर किसी ने घोड़े को पकड़ा गलती से, अगर किसी ने घोड़े को पकड़ा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी किससे, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने ये ऐसे लास्ट हिंदू रूलर थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 1740 में। एंशियंट टाइम में तो बहुत सारे राजा करवाते थे, मगर मॉडर्न टाइम में करवाने वाले सवाई राजा जयसिंह थे। और फाइनली इनकी 21 सितंबर 1743 को ब्लड इन्फेक्शन की वजह से आमेर में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर इनकी मतलब कहानी ख़त्म होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी पूरी, तो मैंने कोशिश की है ज़्यादा सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की, ठीक है। तो बाकी तो आप कर लेना। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हुआ, अब दो टॉपिक और बचे हैं और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा एक दो दिन में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।